क्लास 5th ISSO सोशल स्टडीज़ की बुक ओलंपियाड वर्कबुक के रिगार्डिंग आज हम लोग करेंगे चैप्टर 7 यूनाइटेड नेशंस के अचीवर सेक्शंस के लास्ट के 5 बचे हुए क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है देखते हैं स्टेटमेंट को। स्टेटमेंट को समझिए बच्चों। स्टेटमेंट में सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर एक ग्रिड दे रखी है और इस ग्रिड में हम लोगों को क्या करना है, आंसर्स लगाने हैं, है ना जी। और आंसर्स किसके लगाने हैं, ये जो ऑप्शंस दे रखी है ए बी और सी डी की। पहली ऑप्शन क्या है, ऑर्गेनाइजेशन दैट फंक्शंस टू प्रोवाइड एजुकेशन। एजुकेशन की बात आती है तो वर्ल्ड वाइड ऑल ओवर द वर्ल्ड एजुकेशन प्रोवाइड करने का काम किसका है स्टूडेंट्स, यूनेस्को का है। का किसका है, यूनेस्को का, ठीक है जी। और यूनेस्को का हेड क्वार्टर कहाँ है, तो यूनेस्को का हेड क्वार्टर है स्टूडेंट्स ये है आपका पेरिस में, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है जी। यूनेस्को का हेड क्वार्टर कहाँ है, पेरिस में। अब ये कह रहा है कि ये एक ऑर्गन है, ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का। तो जब भी ऑर्गन की बात आएगी और ये काम करती है पीस और सिक्योरिटी के लिए, पीस यानी कि शांति के लिए, सिक्योरिटी यानी कि सुरक्षा के लिए, तो ये काम है स्टूडेंट सिक्योरिटी काउंसिल का। किसका काम है, सिक्योरिटी काउंसिल का। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, सिटी वेयर हेडक्वार्टर्स ऑफ WHO। WHO का हेडक्वार्टर स्टूडेंट्स किस कहाँ है, ये है जिनीवा में, कहाँ है, जिनीवा में। उसके बाद सिटी वेयर, अब यूनेस्को, यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है, ये मैंने अभी आपको बताया है किस में है, पेरिस में है। तो अब आपको इस ग्रिड में फाइंड आउट करना है कि कौन सा नहीं है। अगर देखो यूनेस्को यू से स्टार्ट होता है ना, तो देख लीजिए ये यू से यहाँ पे यहाँ यहाँ कुछ नहीं बन रहा है। और अगर कहीं देखे तो कहीं पर यूनेस्को बन रहा है क्या, ये बन रहा है, ये रहा यू, ये भी एक यू है और ये रहा यूनेस्को। पेरिस है क्या कहीं, देखो पी कहाँ है, यहाँ है पी, और पी कहाँ है, ये यहाँ यहाँ, ये पेरिस बन रहा है। तो आप इस तरह से फर्स्ट वाला जो है ना अल्फ़ाबेट, वो वाला आप फाइंड आउट कर लीजिए जिससे आपको पूरा मिल जाएगा। जिनीवा है जी, ये रहा जी, ये रहा, तो फिर जिनीवा नहीं, ये जिनीवा नहीं है। और कहाँ है जी, अगर हम लोग जी, ये रहा जी, तो ये है, ये भी नहीं बन रहा है, यहाँ से भी जिनीवा नहीं बन रहा है, ये है एक और जी, तो यहाँ पर जिनीवा बन रहा है, ये देखो। तो यहाँ पर हमारे पास स्टूडेंट्स पेरिस भी है, यहाँ पर हमारे पास बच्चों जिनेवा भी बन रहा है, और उसके साथ यूनेस्को भी बन रहा है, पहले का आंसर यूनेस्को था, लेकिन माय डियर स्टूडेंट सिक्योरिटी काउंसिल नहीं बन रहा है, है ना। तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी। इसके साथ साथ आपको एक जानकारी और पता चली है, वो ये है कि जो सिक्योरिटी काउंसिल है ना, वो एजेंसी नहीं बल्कि क्या है, ऑर्गन है। क्या है वो, ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी है आपको। क्वेश्चन नंबर 22, ये कह रहा है कि ट्रू के लिए टी और फॉल्स के लिए एफ लिख लीजिएगा। 5 परमानेंट मेंबर्स ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल है विटो पावर। जो 5 परमानेंट मेंबर हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, उसके पास विटो पावर है, बिल्कुल है, ये ट्रू है। द मोटो ऑफ FAO, देखिए स्टूडेंट्स FAO का जो मोटो होता है, लेट देयर बी ब्रीड, बिल्कुल करेक्ट है उसका मोटो, लेट देयर बी ब्रीड है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि FAO क्या है, तो माय डियर स्टूडेंट्स FAO फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, क्या है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, और ये यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है जो कि काम करती है हंगर और इम्प्रूव सिक्योरिटी के रिगार्डिंग वर्ल्ड वाइड। और FAO का मोटो क्या है, लेट देयर बी ब्रीड। नाउ टी, टू प्रमोट गुड रिलेशंस अमंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वल राइट्स इज वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ यूनाइटेड नेशन। ऑफ कोर्स पूरे वर्ल्ड में शांति रखना है ना, यही तो काम है यूनाइटेड नेशन का हर तरफ से, है ना। देन एंटोनियो गुट्री क्वाइंड द टर्म यूनाइटेड नेशन, नहीं स्टूडेंट्स, एंटोनियो गुट्री ने
ये वाली जो टर्म है ना यूनाइटेड नेशन की, ये क्वाइंड नहीं की थी, तो क्वाइंड किसने की थी? क्वेश्चन यहाँ पर ये उठता है कि क्वाइंड किसने की थी, हु क्वाइंड द टर्म यूनाइटेड नेशन? तो यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने, किसने की थी? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने, ठीक है। ये एक क्वेश्चन और उठ रहा है यहाँ से, भैया ये एंटोनियो गुट्री कौन है? तो स्टूडेंट्स, एंटोनियो गुट्री जो है ना, वो सेक्रेटरी जनरल है यूनाइटेड नेशन के करंट में, 2017 से जो सेक्रेटरी जनरल है यूनाइटेड नेशन के, वो कौन है? एंटोनियो गुटरीज, ठीक है। तो TTTF यानी कि ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 23। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 23, अब ये आप लोगों के लिए छोड़ रही हूँ मैं, क्योंकि ये वाले तो मैंने आपको काफ़ी बार बार बता दिया कि यूनेस्को का कहाँ है हेडक्वार्टर, यूनिसेफ का कहाँ है, WHO का कहाँ है और FAO का कहाँ है। ये देखिए यहाँ पर भी ये मैंने लिखा है, ये बताना भूल गई थी मैं, FAO का हेडक्वार्टर रोम में है। कहाँ है? रोम में। तो ये आप खुद से करेक्ट कीजिएगा, ठीक है, मिलाइएगा ना। क्वेश्चन नंबर 24, रेफर करना है आपको गिवन वेन डायग्राम को। देखिए वेन डायग्राम को ध्यान से देखिए, ये कह रहा है जैसे सबसे पहले अपन एक्स की बात करें, तो एक्स जो है ना, एक तो एक्स एजेंसी है UN की, क्या है? एजेंसी है। और साथ ही साथ उसका, उस एजेंसी का जो हेडक्वार्टर है ना, वो कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। तो एजेंसी प्लस हेडक्वार्टर इन न्यूयॉर्क यूनिसेफ, कहाँ है? यूनिसेफ, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ है यूनिसेफ का? कहाँ है? न्यूयॉर्क में। बात करते हैं वाई की। वाई एक ऑर्गन है यूएन का, ऑर्गन है यूएन का, और वाई का हेडक्वार्टर यूएन में है, ऑर्गन और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में। तो जनरल असेंबली कौन सी है? ये जनरल असेंबली, ठीक है। उसके बाद ये हमने पहले भी बात कर ली है। उसके बाद अगर जेड की बात करें, तो जो जेड है ये है, ये एजेंसी है यूएन की। क्या है? ये एजेंसी है यूएन की। तो एजेंसी है यूएन की बस, और इसका बारे में और कुछ नहीं लिखा है, बस इसके बारे में आप ये जान लीजिए। तो ये WHO होगा, और WHO का जो हेडक्वार्टर है बच्चों, ये आपको पता होगा, अभी मैंने बताया था कहाँ है, ये जेनीवा में ना। हो क्वेश्चन नंबर, इसकी ऑप्शन नंबर ए आएगा आंसर। 25, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन अनस्क्रैम्बल किया हुआ है, उसको स्क्रैम्बल कीजिए और बताइए कि यूनाइटेड नेशन की एजेंसी है जो एनकरेज करती है नेशंस को वर्क टुगेदर इन द एरियाज ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन में जो काम करती है स्टूडेंट्स, वो है यूनेस्को। कौन सी है? यूनेस्को। और स्क्रैम्बल करेंगे तो यही बनेगा ऑप्शन ए, लग ही रहा है यूनेस्को। सेकेंड वाला यूनिसेफ है, थर्ड वाला FAO है। FAO का काम फूड और हंगर से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए। दैट्स इट, थैंक यू सो मच।